एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मीडिया कर्मियों को कह रहे हैं कि अपना धर्म निभाएं और पास की जरूरत नहीं है, प्रेस की आईडी ही काफी है रिपोर्टिंग करने के लिए, वहीं सागर के एसपी पत्रकारों को कह रहे हैं कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के लिए ही आप रिपोर्टिंग करें और बाकी 2 दिन आप घर पर बैठे रहें। दरअसल क्या है कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस जारी हुआ जिसमें सागर के एसपी ई पास के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी कहा कि आप लोगों को ई पास लेकर सिर्फ 5 दिन ही खबरों के लिए निकलें और बाकी 2 दिन आप नहीं निकल सकते। ये पास जो है सैटरडे संडे के लिए लागू नहीं है। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए भी हम सिर्फ ये 5 दिन के पास लेंगे और उसके लिए भी हमको जिला जनसंपर्क कार्यालय से जिन पत्रकारों की सूची प्राप्त होगी उनके वाहन नंबर प्राप्त होंगे उनको हम अलाउ करेंगे। और जिसके बाद इस मामले की घोर आलोचना हुई, वहीं इस मामले की आलोचना के बाद एक बार फिर से सागर एसपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने उन सारी बातों पर विराम लगा दी। आज हमने ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें ई पास के बारे में बताया गया था और इसका उद्देश्य था कि मतलब जो चेकिंग पॉइंट्स पे भीड़ लगती है उसमें जिनके नियमित जिनको जाना है उनको सुविधाजनक तरीके से निकाला जा सके, लेकिन इसको लेके कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने इस पर जो है आपत्ति की है जिसमें मीडिया भी सम्मिलित है, कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं। तो उन आपत्तियों को देखते हुए फिलहाल हमने मतलब इस पास के जो मासिक पास और साप्ताहिक पास वाली योजना थी उसको अभी फिलहाल में अग्रिम विचारार्थ स्थगित कर दिया है।